दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमान राजीव जंग जी और चेयरमैन एनडीएमसी श्री नरेश कुमार जी, पुलिस आयुक्त दिल्ली श्री आलोक जी वर्मा, डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी श्री कृष्णा जी चौधरी और वाइस चेयरमैन श्री करण सिंह जी तंवर और इस देश के सुविख्यात चिकित्सक डॉक्टर नरेश जी त्रेहन, एनडीएमसी के सभी अन्य सम्मानित सदस्यगण, एनडीएमसी के सभी कर्मचारीगण, मेरे सफाई कर्मी बहनों एवं भाइयों, अन्य देवियों एवं सज्जनों एवं मेरे प्रिय बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हम सारे देश में महात्मा गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और जहां पर आज का दिन महात्मा गांधी के का जन्म दिवस है, वहीं पर सादगी और सरलता के प्रति हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज यह जन्म दिवस है। आप सबको यह भी स्मरण होगा कि आज के दो वर्ष पहले हमारे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का लक्ष्य लेकर एक स्वच्छ भारत अभियान सारे देश में चलाया था। उस समय किसी को यह कल्पना नहीं थी कि स्वच्छ भारत सफलता की इन ऊंचाइयों को दो वर्षों के अंदर ही हासिल कर लेगा, इसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। और हम सभी इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि आजाद भारत के इतिहास में किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर जैसी जागरूकता पैदा होनी चाहिए शायद आज तक नहीं हुई है। यदि वैसी किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर जागरूकता पैदा हुई है इस आजाद भारत के इतिहास में, तो वह स्वच्छ भारत अभियान के प्रति यह जागरूकता पैदा हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आज सारे देश में यह स्वच्छ भारत अभियान एक सामाजिक आंदोलन बन चुका है। और यहां जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, मैं इन कुछ बच्चों के व्यवहार को मैंने देखा है देश के कोने कोने में और अपने परिवार में अपने घर में भी मैंने देखा है। यदि कोई भी बड़ा बुजुर्ग कहीं पर कोई उठाकर कागज फेंक दे, कहीं यदि कूड़ा फेंक दे, तो उसे रोकने का काम यदि कोई करता है तो ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं इन्हीं के द्वारा उसे रोकने का काम किया जाता है। और मैं कह सकता हूं यह स्वच्छ भारत अभियान जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने चलाया है, इस स्वच्छ भारत अभियान का सच्चा कर्णधार यदि कोई है तो हमारे भारत के यह बच्चे हैं, भारत के हमारे नौजवान हैं, जिनके अंदर इस स्वच्छता को लेकर एक विशेष जागरूकता पैदा हुई है। स्कूल कॉलेजेज में यदि अध्यापकों से बात कीजिए तो वह भी कहते हैं कि अब हम लोग भी, अध्यापक कहते हैं कि हम लोगों को भी संकोच होता है कि यदि हम कहीं कोई पेपर उठाकर कहीं फेंक दें, कहीं हमारे क्लास का कोई बच्चा हमें टोक न दे, इस बात की भी चिंता हमको सताती है। मैं समझता हूं यह जागरूकता कोई सामान्य जागरूकता नहीं है, इस देश की यह बहुत बड़ी जागरूकता है। सारे देश भर में यह अभियान प्रभावी तरीके से इस समय चल रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का यह लक्ष्य है कि 2019 समाप्त होते होते हम स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के इस लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसी जागरूकता देश के लोगों के अंदर पैदा हुई है, प्रधानमंत्री के इस लक्ष्य को हासिल करने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। मैं एनडीएमसी के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को और अपने सफाई कर्मियों को भी विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। यह एनडीएमसी जो आज के दो वर्ष पहले स्वच्छता की रैंकिंग में 15वें स्थान पर इस हिंदुस्तान में खड़ा था, आज एक साल के बाद ही यह एनडीएमसी स्वच्छता की रैंकिंग में आज हिंदुस्तान में चौथे स्थान पर खड़ा है। और मुझे पूरा विश्वास है
पूरा विश्वास है कि कुछ ही महीनों के अंदर हमारा यह एनडीएमसी यह स्वच्छता की रैंकिंग में हिंदुस्तान में पहले स्थान पर खड़ा होगा और इसके लिए मैं जहां एनडीएमसी के अंतर्गत रहने वाले लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, वहीं मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं अपने सफाई कर्मियों को जिन्होंने कि इस एनडीएमसी को स्वच्छ रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। आपके चेयरमैन ने डेढ़ साल पहले श्री नरेश कुमार जी ने मुझे बतलाया था कि हम एनडीएमसी को स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन इस सच्चाई को आप सब स्वीकार करेंगे कि जब तक कोई भी शहर, कोई भी कस्बा, कोई भी गांव जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक वह स्मार्टनेस के लक्ष्य को किसी भी तरह हासिल नहीं कर सकता है। स्वच्छ होना स्मार्टनेस के लिए यह बहुत ही आवश्यक है और मैं कहूंगा कि सचमुच स्वच्छता या स्मार्टनेस की एक पहचान बन चुकी है और शायद इसीलिए प्रभावी तरीके से एनडीएमसी के अंतर्गत भी यह स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है। विडंबना यह है कि हम सार्वजनिक स्थानों को अपना नहीं समझते, अपनी भागीदारी नहीं समझते कि इन सार्वजनिक स्थानों के प्रति हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, हमें किस प्रकार का सार्वजनिक स्थानों के प्रति भी व्यवहार करना चाहिए। कहीं से कोई गुजर रहा हो उठाकर कोई गंदी चीज हो सार्वजनिक स्थानों पर हम उसे फेंक देते हैं। मैं यह मानता हूं कि यदि कोई स्थान सार्वजनिक है तो सार्वजनिक स्थान पर सभी का हक है, लेकिन यदि मैं सार्वजनिक हक की बात कर रहा हूं सार्वजनिक स्थान पर तो मैं समझता हूं कि वहां पर किसी के द्वारा इनक्रोचमेंट भी नहीं किया जाना चाहिए यह दलील देकर कि चूंकि यह सार्वजनिक स्थान है इसलिए मेरा भी इसमें सार्वजनिक हक है। और कचरे का जहां तक संबंध है मैं बधाई देता हूं एनडीएमसी को विशेष रूप से कि वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2016 की जो रही है उसको प्रभावी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से और साइंटिफिक तरीके से लागू किया है और वेस्ट मैनेजमेंट की पॉलिसी जिस प्रभावी तरीके से लागू किया है उसकी जितने भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और मैं कहता हूं कि वेस्ट को, कचरे को लोग जो समस्या समझते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी को इस देश में प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है मैं कह सकता हूं कि अब वेस्ट यानी कचरा अब समस्या नहीं है बल्कि वह कचरा अब भारत के लिए एक समाधान बन गया है, उससे खाद भी बन सकती है और उससे ऊर्जा भी पैदा हो सकती है। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी के इस जन्म दिवस के अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि स्वच्छता के प्रति जो आज हमारी प्रतिबद्धता है इस प्रतिबद्धता को हम और अधिक बढ़ाएंगे और आज के अवसर पर यदि स्वच्छता के प्रति हम अपनी प्रतिबद्धता को बढ़ाने का संकल्प लेते हैं तो मैं समझता हूं यही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और एनडीएमसी के द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए अपना निवेदन समाप्त कर रहा हूं।